हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सभी सही होंगे। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं जियोनी मैक्स, जो कि एक सस्ता सा फ़ोन है 5000 के अंदर में, और सबसे बेहतरीन ये 5000 के अंदर में यहाँ पर फ़ोन मेरे को देखने को मिला है। तो इस फ़ोन के करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या खास है इसमें, और आपको भी दिखाएंगे इसकी अनबॉक्सिंग करके। और अगर आपको ये सही लगे फ़ोन, तो आप भी इसे ज़रूर से ले सकते हैं। हमने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो चलिए करते हैं शुरू इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों, अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो फ्लिपकार्ट से हमें डिलीवरी हो चुका है ये फ़ोन, देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से पैकिंग होकर आया हुआ है। तो काफ़ी ज़बरदस्त पैकिंग देखने को मिलती है यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ से, और इको फ्रेंडली भी यहाँ पर देते हैं अब, जो कि पहले यहाँ पर पन्नी में पैक करके दिया करते थे, अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप इको फ्रेंडली यहाँ पर दिया हुआ है। तो ओपन करते हैं इसको बॉक्स को। तो बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है, और अंदर से देख सकते हैं आप सबसे ऊपर बिलिंग रखी गई है। ये कुछ यहाँ पर इस प्रकार से रख के दिया गया है, ताकि अगर बॉक्स डैमेज ना हो सके फ़ोन का। तो ये ऊपर से बिल दिया गया है, और अंदर से यहाँ पर फ़ोन का बॉक्स है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये है जियोनी मैक्स, यहाँ पर जिस पे लिखा गया है यहाँ पर अब जिंदगी हुई मैक्स। तो पीछे की तरफ हम देखें तो यहाँ पर उसके कुछ फीचर्स और यहाँ पर प्राइस दी गई है, जो कि बॉक्स में 7990 दी गई है, लेकिन फ्लिपकार्ट से ऑफ़र में आप इसे 5000 से भी नीचे ख़रीद सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स कुछ इस प्रकार से देखने को हमें मिलता है फ्रंट से और बैक से। तो कर लेते हैं ओपन इसको, और ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से पैक हुआ है। ओपन करके देखेंगे इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो ये बॉक्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ओपन होता है इसका, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वाइट कलर का है अंदर से। तो यहाँ पर दो सील लगी गई हैं, इसको यहाँ पर काटेंगे और देखेंगे अंदर से क्या क्या हमें देखने को मिलता है इस बॉक्स में। तो देख सकते हैं सबसे ऊपर एक येलो बॉक्स यहाँ पर रखा गया है, निकाल लेते हैं इसे बाहर, जिसमें कि जियोनी लिखा गया है यहाँ पर नीचे, और नीचे यहाँ पर फ़ोन दिख रहा है। देखते हैं बॉक्स में, येलो बॉक्स में क्या क्या दिया है। तो इसमें यहाँ पर यूज़र गाइड, मैनुअल, वारंटी कार्ड, ये सब दिए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक ये वारंटी कार्ड है, तो ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से। और एक यहाँ पर स्क्रीन गार्ड दिया गया है दोस्तों, तो अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इसकी स्क्रीन, तो इसको ज़रूर से लगा लीजिएगा। तो यही सब मिलता है, इसका कवर नहीं आता इसमें साथ में, और सिम इजेक्टर पिन भी नहीं है, क्योंकि इसके जो बैक पैनल है वो खुलता है यहाँ पर। तो फ़ोन रखते हैं साइड में, पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो ये वाइट बॉक्स खोल लेते हैं पूरा। ये ओपन कर लिया है हमने, और नीचे यहाँ पर कुछ और चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये एक चार्जर दिया गया है इसमें, जो कि शायद नॉर्मल चार्जर है, इसको बाहर निकाल के देखते हैं इसको। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर पैकिंग कर रखी है बहुत। यहाँ पर आप देख सकते हैं जियोनी लिखा हुआ है चार्जर में, और ये कि नॉर्मल चार्जर है, तो कोई फास्ट चार्जर वाला सीन नहीं है यहाँ पे। और इसके साथ जो केबल मिलती है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर USB टू माइक्रो USB दी गई है नॉर्मल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो नॉर्मल चार्जर है नॉर्मल केबल के साथ। और फ़ोन देख लेते हैं अब, तो सामने आप देख सकते हैं जियोनी मैक्स करके लिखा है, और कुछ फीचर्स उसके दिए गए हैं। पन्नी से निकाल लेते हैं बाहर, तो स्क्रीन गार्ड की तौर पर उस पर रखा गया है। और ये देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन दिया गया है इसका, ब्लैक कलर में हमने ये मंगाया था। तो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है।
सामने जो फीचर्स दिए गए हैं वो लिखा गया है यहाँ पर, जिसमें कि 6.1 इंच की HD प्लस डिस्प्ले लिखी गई है, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है, 2 GB RAM, 32 GB इंटरनल स्टोरेज। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका कुछ डिटेल दिए गए हैं और हमने निकाल लिया उसे, और ये दिखाते हैं आपको कि इसकी बैटरी कैसे लगती है इसमें। तो दोस्तों ये ओपन होता है, बैक पैनल इसका ओपन होता है, सिम इजेक्टर पिन इसमें इसीलिए नहीं दी गई है क्योंकि सिम जो है वो ओपन होके ही अंदर लगते हैं इसमें। तो आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पर बैटरी लगती है इसकी, और बॉक्स में जो थी बैटरी थी वहाँ पर, और ये देख सकते हैं सिम स्लॉट जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, एक स्लॉट वहाँ पर लगा सकते हैं और एक ऊपर, और एक SD कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। बैटरी दी गई है यहाँ पर साथ में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ़ोन में। तो इसको हम लगा लेते हैं इसमें और ओपन करेंगे फ़ोन को अब, तो अभी बंद कर लेते हैं, इसे ओपन कर लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं आप जियोनी की ब्रांडिंग लिखी आ रही है, एंड्रॉयड पावर बाय एंड्रॉयड आ रहा है। तो इसमें हमें एंड्रॉयड जो है वो 10.0 देखने को मिलता है, और ये फटाफट से बूट कर लेते हैं फ़ोन को और दिखाते हैं आपको कैसा इसका इंटरफेरेंस है। तो फ़ोन हमने बूट कर लिया है और देखते हैं इसका इंटरफेरेंस अब। तो काफ़ी सारी ऐप यहाँ पर हमें पहले से ही देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो कोई भी यहाँ पर चाइनीज़ ऐप तो नहीं है, जो ऐप यहाँ पर बैन हुई है गवर्नमेंट द्वारा वो नहीं दी गई हैं। मेड इन इंडिया ये फ़ोन ऐसा इन्होंने बताया है, जियोनी मैक्स मेड इन इंडिया यहाँ पर बॉक्स में भी लिख के दिया गया है। तो टच काफ़ी अच्छा यहाँ पर मेरे को लगा है इसका, देख पा रहे हैं आप मेरे स्क्रीन पर काफ़ी फास्ट चल रहा है यहाँ पर फ़ोन। और इसके अगर हम आपको डिवाइस की डिटेल थोड़ा दिखाएँ अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 SIM स्लॉट यहाँ पर और दिए गए हैं, एक microSD कार्ड दिया गया है, नैनो सिम इसमें लगते हैं। इसके कैमरे की अगर हम बात करें तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फेस ब्यूटी हो गया, फोटो मोड हो गया, वीडियो और मैनुअल यहाँ पर दिया गया है। और मोर में अगर हम जाते हैं यहाँ पर तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैनुअल ब्रस्ट पूर्णमा टाइम लैप्स स्लो मोशन ऑडियो मोड ऐसे दिए गए हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर, और वही सब यहाँ पर सेल्फी में भी दिया गया है। तो सेम ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं दोनों कैमरे में। तो इसमें रियर साइड में 13 मेगापिक्सल और बोके लेंस वाला कैमरा दिया गया है, डबल रियर कैमरा दिए गए हैं, और सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो मैं आपको इससे कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ, फ़ोटो सैंपल खींच के दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये फ़ोन का कैमरा किस तरह से काम करता है। तो फटाफट से एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। इस फ़ोन में आपको 6.1 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ 13 मेगापिक्सल प्लस बोके लेंस, यहाँ पर डबल रियर कैमरा देखने को मिलता है, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड, 5000 mAh बैटरी देखने को मिलती है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर। तो यही सब था दोस्तों इस अनबॉक्सिंग में, और मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ जल्दी ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए, और बेल आइकन का बटन